नमस्कार, आज हम हैं विश्वकर्मा बाथ एंड टाइल्स शोरूम पे। हम आज आपको पूरा टाइल्स के बारे में बताएंगे। बेसिकली टाइल्स कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या साइजेस होते हैं और क्या क्या इनके प्राइजेस होते हैं। आपको यहाँ पे सभी साइजेस अवेलेबल मिलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टाइल्स जो भी होती है, एक सेरामिक प्रोडक्ट होता है जो कि मिट्टी से तैयार किया जाता है। इसमें बेसिकली हमारे पास तीन तरह की टाइल्स होती है, सेरामिक, पोर्सलिन और विट्रीफाइड। सेरामिक टाइल्स जो होती है वो बेसिकली जो टेम्परेचर पे पकाई जाती है, फायर की जाती है, वो 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर पे बनती है, जिनमें बेसिकली हम देखते हैं फ्लोर जो बाथरूम्स के अंदर लगती है, फ्लोर पे प्लस वॉल पे जो लगती है वो वाली टाइल्स होती है। उसके बाद पोर्सलिन टाइल्स आती हैं। पोर्सलिन टाइल्स हो जाती हैं जो कि हम बालकनीज में, घर की छत पे वो सब लगाते हैं। उसके बाद आती है विट्रीफाइड टाइल्स। विट्रीफाइड टाइल्स होती है जो भी हम जितनी भी हमारे घरों में फ्लोर पे टाइल्स लगाते हैं, बाथरूम्स में लगाते हैं, वॉल के ऊपर, वो सब हमारी विट्रीफाइड टाइल्स होती हैं। इसके बाद विट्रीफाइड टाइल्स के अंदर ही मेनली बेसिकली दो तीन सेगमेंट्स आते हैं, उसके बारे में हम आपको डीपली बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेरामिक टाइल्स। सेरामिक टाइल्स होती हैं, सेरामिक टाइल में आपको सभी डिजाइंस मिल जाते हैं। साइजेस जो इसमें आते हैं हमारे पास वो 1x1 यानी कि 12 इंच x12 इंच से स्टार्ट होके 16x16 और 12x24, 12x18, 2x2 ये साइजेस हमारे पास होते हैं। ये एक स्टार्टिंग रेंज होती है। इनकी जो रेंज है वो नॉर्मली 20 रुपये से स्टार्ट होके मैक्सिमम 40-45 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाती है। सेरामिक ये थोड़ी सी अगर तीनों वैरायटीज़ में कंपेयर करें तो ये सबसे स्टार्टिंग रेंज होती है। ये हम हैवी ट्रैफिक एरिए में और घर के फ्लोर पे रिकमेंड नहीं करते हैं। ये सिर्फ हम बाथरूम्स पे प्लस जहाँ पे बिल्कुल ही लाइट फुटफॉल होता है वहाँ पे रिकमेंड करते हैं। इसके बाद आता है पोर्सलिन टाइल्स। पोर्सलिन टाइल्स सेरामिक टाइल्स से अपर सेगमेंट में होती है। ये नियर अबाउट आपको 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर बनाई जाती है। इसका मेन जो जहाँ जहाँ ये अप्लाई होती है, आप इसको छत पे, वॉशरूम्स के फ्लोर पे और हल्का ट्रैफिक, जहाँ बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, नॉर्मली ट्रैफिक होता है वहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं। इसमें जो ज़्यादातर साइज चलता है वो 16x16 और 2x2 का साइज आता है। अब आते हैं हम हमारे तीसरे उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा टाइल हमारी यूज़ होती है, विट्रीफाइड टाइल्स। विट्रीफाइड टाइल्स ये नियर अबाउट हमारी 1100 से 1200 डिग्री टेम्परेचर पर फायर्ड होती है। इसमें अलग अलग सेगमेंट्स आते हैं, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले साइज इसमें सारे आते हैं, 12x12, 16x16, 1x2, 2x2, 2x4, 2.5x5, 4x4, 4x6, 3x6 और 4x8। विट्रीफाइड टाइल में अब आगे जाके हमने इसको चार तरह से बांटा हुआ है। सबसे पहले जो ये वाली आप टाइल देख रहे हो, इसको हम डिजिटल टाइल्स बोलते हैं या इटालियन लुक की टाइल्स बोलते हैं। इसमें जो भी हमारे मार्बल लुक्स आप देखते हो, जो नेचुरल स्टोन्स के लुक्स होते हैं, वो सारे डिजाइन आपको मिल जाते हैं। जैसे अब ये वाला आप शेड देख रहे हैं, ये बोटोचिनो कहलाता है। ये आप देख रहे हो, ये प्रेशिया है। ये सब स्टोन में आपको डिजाइंस और कलर्स मिलेंगे। इसके बाद ये सिर्फ डिजिटल टाइल्स होती है, इसके ऊपर आपको एक लेयर्स होती है, बाकी ये सब कलर सेगमेंट्स होते हैं इसके। इसका जो यूज़ है, हम हाउस होल्ड कमर्शियल एरिया को छोड़ के आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, घर में, घर के फ्लोर पे, रेस्टोरेंट में, वॉल पे, ये हम सब लगा सकते हैं। ये जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी फुटफॉल है उसको छोड़ के आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लाइक बैंक्स हो गए, मॉल्स हो गए, उनमें हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बाकी ये कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद ये वाली आती है, ये भी एक विट्रीफाइड टाइल है, लेकिन ये डबल चार्ज के अंदर होती है। डबल चार्ज बोले तो इसका जो ये अपर डिज़ाइन है, ये 3 से 4 mm अंदर डीप तक होता है, जिसकी वजह से ये लाइफ लॉन्ग की टाइल्स कहलाती है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, मॉल्स में, कमर्शियल प्लेसेस में, बैंक्स में, ये आपको लाइफ टाइम ऐसी ही मिलेगी। अब हम आते हैं, इसे हम बोलते हैं फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हैवी ट्रैफिक्स होता है, या हमें जहाँ पे अपनी पार्किंग्स होती है, घर की पार्किंग होती है, तो उसमें ये दो साइजेस आते हैं, एक 10 mm
थिक होती है, एक 16 mm थिकनेस के साथ आती है। 16 mm थिकनेस हम वहाँ लगाते हैं जहाँ कमर्शियल एरियाज होते हैं, जैसे जो भी आपने देखे होंगे बोट्स वगैरह होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, 40 tons, 45 tons लाइक दिस। तो हम वहाँ पे 16 mm की टाइल रिकमेंड करते हैं। नॉर्मली घर है या जैसे शोरूम्स की पार्किंग्स हैं उनमें हम 10 mm की थिकनेस के साथ ये टाइल्स यूज करते हैं। ये बेसिकली चार तरह की होगी विट्रीफाइड टाइल्स जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, वो विट्रीफाइड टाइल्स ज़्यादा यूज होती हैं। अगर इनकी रेंज की हम बात करते हैं तो विट्रीफाइड टाइल्स 2x2 साइज में अगर स्टार्ट करते हैं तो हम 35 रुपए से स्टार्ट होकर 80-100 रुपए तक जाती है। अगर यही साइज़ हम 2x4 की बात करते हैं तो ये भी हमारा वही 35 rupees से स्टार्ट होके 100 rupees पर स्क्वायर फीट तक आती है। अगर इसमें हम बात करते हैं 2.5x5 या 32x64 की 55 rupees से स्टार्ट होके 120-130 रुपए तक जाता है। दूसरा जो सबसे अच्छा आजकल साइज चल रहा है 4x8, 4x8 का साइज का जो प्राइस रेंज है हमारे पास वो 150 rupees से स्टार्ट होके 300 rupees पर स्क्वायर फीट तक जाता है। अभी तक तो हमने नॉर्मली टाइल्स के बारे में जाना, क्या साइजेस होते हैं, किस तरह की टाइल्स होती हैं और क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं। इन सब के अलावा अभी हम टाइल्स के अंदर भी डिफरेंट रेंज आती है हमारी जो कि डिज़ाइनर्स रेंज होती है। उनसे पहले हमारे पास ये होती है, ये वुडन टाइल्स होती है, नॉर्मली सेरामिक प्रोडक्ट्स हैं बट लुक्स एकदम वुडन की तरह होता है। ये नॉर्मली हम घर में यूज़ कर सकते हैं एक्सटीरियर में एज वेल एज इंटीरियर में। नॉर्मली जैसे आप घर बना रहे हो तो आप स्टडी रूम्स इसका बना सकते हो, किड्स के लिए आप फ्लोर यूज़ कर सकते हो। ये इसमें शेड्स भी लगे हुए हैं, डिफरेंट शेड्स इसमें आते हैं। इनकी जो लुक होती है बिल्कुल ऐसे होती है जैसे आपने घर में नेचुरल स्टोन की जगह वुडन यूज़ कर दिया हो, बिल्कुल एक्चुअल वुडन लगता है। ये साइजेस में अलग अलग आता है, इसमें हमारे पास 8x48 का साइज़ होता है, 8x24 का साइज़ होता है, 12x24 भी आता है, 8x36 आता है और 8x40 का साइज आता है। इसकी अगर प्राइस रेंज की हम बात करें इस साइज़ में ये 25 rupees से स्टार्ट होकर इसकी जो रेंज है हमारे पास 125-130 rupees तक अवेलेबल है। इसके बाद अब हम आते हैं डिज़ाइनर टाइल्स। बेसिकली ये मोजैक्स होती हैं, मोजैक्स बोले तो ये हम टाइल, स्टोन, ग्लास और मेटल के मिक्सअप से ये बने होते हैं। ये भी हम बाथरूम्स वगैरह में, ड्राइंग रूम्स में, बेडरूम्स में हम यूज़ करते हैं। ये सभी डिज़ाइनर्स प्रोडक्ट होते हैं। ये मोजैक्स है, ये हैंडमेड मोजैक्स होते हैं। ये भी डिफरेंट कलर्स इसमें आपको 7 to 8 कलर्स अवेलेबल होते हैं। इनकी अगर रेंज की बात करें तो स्टार्टिंग रेंज 200-300 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके हमारे पास 1200-1300 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के मोजैक अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ये स्पेनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी आप कोई बोल हाईलाइट करनी है आपने किचन में लगाना है तो हम इस तरह के मोजैक्स और इस तरह की टाइल्स यूज़ करते हैं। इनकी जो रेंज स्टार्ट होती है 200 rupees से स्टार्ट होकर 400 rupees स्क्वायर फीट तक की होती है। इसके अलावा हमारे पास ये मोजैक्स होते हैं, मोजैक्स ये होता है जैसे आपने कहीं स्विमिंग पूल में यूज़ करना है कुछ, या कोई एक वॉल बनवानी है, या कोई आपको कोई सीनरी बनवानी है तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये फ्लेक्सिबल होता है, आपकी कोई वॉल है, पिलर है, आप उस पर भी ये यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे गोल पिलर होता है या कर्व होता है या कोई किड्स बाथरूम होता है उसमें आपको कुछ कलरफुल आइटम्स डालने हो, इसमें आप 7 to 10 कलर हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कोई भी आप मिक्स करके कोई भी चीज़ बना सकते हो। इसके अलावा डिज़ाइनर्स प्रोडक्ट होते हैं, ये वॉल्स होती हैं। जैसे आपको कोई एक वॉल अपनी घर की या कोई फ्लोर करना है, डिज़ाइन बनाना है तो आप उसमें ये वाले डिज़ाइंस डाल सकते हैं। ये सभी डिज़ाइनर्स द्वारा डिज़ाइन किए हुए डिज़ाइंस होते हैं। इसमें हमारे पास साइज़ की अगर आप बात करोगे 2x2 भी अवेलेबल है, 2x4 अवेलेबल है और इसमें 32x64 में भी ये साइज़ आते हैं। अगर आप इसकी रेंज की बात करोगे 2x2 में जो रेंज हमारे पास स्टार्ट होती है वो 65 rupees से स्टार्ट होकर 100 rupees तक है, 2x4 में 100 rupees से स्टार्ट होकर 200 rupees तक है। ये सभी हमारे पास डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। ये आप
बाथरूम्स में यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक वॉल आप डिज़ाइन कर सकते हो, बाकी इससे मैचिंग के वॉल्स आ जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको यूज़ करना है बेडरूम की कोई एक वॉल आपको यूज़ बनानी है, निश में आपने कोई डालना है हाइलाइटर, तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये सब है आज का टाइल्स का सेशन। ओके, थैंक यू। तो ये था।